बारंबार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को किसी मामले में फंसाकर जेल भेजने का प्रयास पहले भी किया। ये लालू प्रसाद यादव ही थे जब रेल मंत्री बने थे, तो गोधरा की ट्रेन में जो जिहादियों ने आग लगाई थी, लश्कर ए तोयबा के लोग जिसमें कन्विक्ट हुए, उस मामले में भी आदरणीय मोदी जी को फंसाने का प्रयास किया गया था। एक SIT अलग से बनर्जी आयोग बनाकर किया था इन्होंने। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक SIT बनाई। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चूंकि पूरी ईमानदारी से उन्होंने काम किया था, निर्भीकता से उस SIT के समक्ष गए, उसका सामना किया। उन्होंने किसी प्रकार का जो है, जिस तरह से जब श्रीमान तेजस्वी यादव श्रीमती राबड़ी देवी को नौकरी के बदले जमीन के घोटाले में बुलाया गया प्रवर्तन निदेशालय द्वारा, CBI द्वारा, तो कितनी तरह के इन्होंने जो है पाखंड किए पूरे देश ने देखा। आदरणीय मोदी जी चूंकि एकदम से जो है उनका अपना जो रिकॉर्ड है साफ था, उनको किसी प्रकार का कोई दाग नहीं था, तो भय की कोई ठीक है। इसका रिएक्शन लेंगे सुबोध मेहता जी आपसे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। प्रिंस शुक्ला जी, उन्हें भी वक्त देते हैं। हर्षवर्धन जी, बतौर वरिष्ठ पत्रकार हम आपसे ये जानना चाहते हैं, हम एक पल के लिए सोच भी लेते हैं कि पार्टी RJD के जो नेता हैं या जो RJD के पक्ष में हैं, वो कोई जेल में नहीं है, बिल्कुल पाक साफ है, बिल्कुल बेदाग है, लेकिन क्या फिर भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कि मकसद यही नजर आता है मीसा भारती का कि हमें पार्टी अगर सत्ता में आती है, इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है, तो हम जेल के पीछे भरेंगे, ये नहीं कहा। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उस पर होगी सख्त कार्रवाई, चाहे हमारे पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, चाहे सत्ता पक्ष के हो, कार्रवाई होगी, हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे देश को, मकसद साफ नजर आ रहा है, वो बौखलाहट नजर आ रही है। देखिए सबीना, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता और विशेष करके लालू जी के परिवार के लोग तो ऐसे कह भी नहीं सकते ना कि हम भ्रष्टाचार में जो लोग लिप्त हैं उनको अंदर करेंगे जेल, क्योंकि उनके परिवार के ऊपर। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि भारतीय राजनीति में ऐसे कम उदाहरण हैं जहां पर इस तरह का घोटाला हुआ हो, उसमें दोष सिद्ध हुए हैं, और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि उनके राज में कोई और चीजें सुधर गई हो। ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ जब कार्रवाई शुरू हो गई थी तो लालू जी के परिवार पर दूसरे आरोप नहीं लगे हों, अभी भी बहुत गंभीर आरोपों में। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, तेजस्वी यादव एक नौजवान शानदार नेता के तौर पर दिख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती पेश कर रहे थे, अब वो अगर इस तरह के मजाक वाले वीडियो डाल रहे हैं, वो मजाक भी नहीं लग रहा, वो लग रहा है चढ़ा रहे हैं, जो एक बच्चों का खेल होता है। 40 सीटें हैं, 40 सीटों का टारगेट है, और सुबोध मेहता जी यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है। मैं तो संतरा खा रहा हूँ अब इस पर लेकर, मैंने तो पहले IQ टेस्ट ले लिया, अब वो IQ टेस्ट लेने के लिए कर रहे हैं, और 40 सीटें हैं, बड़ी चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों पर चिढ़ाने वाली सियासत हो रही है। लेकिन पहला जो सवाल मैंने पूछा था, मकसद, एक बार फिर से उसमें आएंगे, उम्मीद करती हूं कि आप घुमावदार जवाब नहीं देंगे बल्कि बताएंगे कि ये मकसद है। लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं कि क्या कुछ JP नड्डा का रिएक्शन यहां पर, प्रतिक्रिया यहां पर सामने आई है जब मीसा भारती ने इस तरह का विवादास्पद बयान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। अभी अभी मीसा भारती ने, अभी का ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, आप बोलते हो मोदी मोदी मोदी, और ये मोदी जी को गाली देते रहते हैं, कभी सांप कभी बिच्छू कभी क्या कभी क्या। इनकी निराशा, इनकी हताशा, इनका फ्रस्ट्रेशन चरम सीमा पर है। सुबोध मेहता जी, जानते हैं ना आप सुभाष यादव जिन्हें गिरफ्तार किया गया, लालू प्रसाद यादव जी के बेहद करीबी, सभी के बेहद करीबी, 2 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ, ED की कार्रवाई यहां पर सामने आई। बोलिए ना, जो भी होगा भ्रष्टाचारी उसे सलाखों के पीछे भेजेंगे, देश की जनता तक संदेश ही पहुंचाना है। मीसा भारती का ये मकसद तो सामने नहीं आया, ये मकसद तो सामने नहीं आया, मकसद आता है कि हम प्रधानमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। मतलब सोचिए, इतनी मेहनत, इतना प्रचार प्रसार किस लिए? देखिए मोहतरमा, आप जो है ना मुद्दों को इस तरीके से उस तरीके से कर रही है। मकसद इलेक्शन में साफ होता है, और वो मकसद ये होता है कि ट्रेजरी बेंच के जितनी भी खामियां हैं, और या कोई भ्रष्टाचार लगता है अपोजिशन, ये बोला ये क्या मीसा भारती ने कहा, ये क्या मीसा भारती ने कहा, मीसा भारती ने कहा प्रधानमंत्री जी ने अगर गलत किया होगा तो जो भी संविधान के जो नियम कानून है, ये बात की सुबोध मेहता जी, आप यहाँ बैठकर, आप यहाँ बैठकर जिन मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, भ्रष्टाचार पर बातचीत होनी चाहिए, जो नीति है गलत लगती है उस पर बातचीत होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछ के आप ही जवाब देने लगती है, सबसे बड़ी मुद्दा तो भ्रष्टाचार है,
इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बाद जिस तरीके ये मुद्दा है ना, ये मुद्दा है ना सुबोध, सुबोध मेहता जी, ये मुद्दा है ना, ये मुद्दा है ना, मुद्दा ये तो नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल की सलाखों के पीछे या बीजेपी नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। मुद्दा ये है या नहीं ये बताइए। चंदा चंदा धंधा के बाद अगर चंदे से धंधा लिया चढ़ाना है, चढ़ाना है मतलब जनता के बीच में मुद्दों को पहुंचाना है, जिस मुद्दे का जिक्र आप कह रहे हैं ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा सुन लीजिए, फिर अपनी बात कहिएगा, फिर अपनी बात कहिएगा। प्रेम शुक्ला जी आऊंगी आपके पास भी, मेरी बात सुनिए सुबोध जी, मुद्दा क्या है, भ्रष्टाचार है या चढ़ाना है, आईक्यू टेस्ट करना, ये वक्त है आईक्यू टेस्ट करने का। सियासत है, लोकसभा चुनाव है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, देश की जनता प्रधानमंत्री चुनती है, सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि चुनती है कि संतरा खाकर चढ़ाएंगे, सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इसलिए करेंगे या मुद्दों के लिए करेंगे। सोच लीजिए, सोच लीजिएगा कि सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा, तेजस्वी यादव के जरिए, मीसा भारती के जरिए। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई लालू परिवार तो खुद ही भ्रष्टाचार के मामले में फंसा रहता है, करीबी यहाँ पर रहता है, लेकिन यहाँ पर सुबोध मेहता जी कह रहे हैं कि बीजेपी ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो ये भी तो एक मुद्दा है। जॉब बंद कर रखा है जी, जी अब ये शांत हो जाए तो लगातार बोलते हैं, इनका कुछ संकट है। देखिए ये क्या सत्य नहीं है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्रीमान लालू प्रसाद यादव चारा चोरी के कई मामलों में सजा याफ्ता, ये सत्य है कि नहीं है? इस सत्य से कोई इनकार, और जिसको भ्रष्टाचार में न्यायालय ने दोषी करार दिया हो और जो मेडिकल ग्राउंड पर बेल पर हो, इसलिए बेल पर नहीं है कि वो जो है बेल देने के काबिल हो गए हैं, बल्कि इसलिए बेल पर है कि मेडिकल ग्राउंड पर है, ऐसा ऐसा व्यक्ति जो है उसके भ्रष्टाचारी होने में कोई संदेह है क्या? मुझे मुझे आपके बीच में नहीं बोल रहा था मित्र, जरा थोड़ा तो धैर्य रखिए ना, अब भ्रष्टाचारियों की पार्टी में है तो सत्य सुनने का थोड़ा साहस भी रखिए। अब श्रीमती मीसा भारती जो है, जिनके खिलाफ बाकायदा प्रवर्तन निदेशालय ने मनी ट्रेल पाया है, ऐसे गवाहियां हैं जिन लोगों से उन्होंने जमीने नौकरी देने के मामले में अपने नाम पर लिखवा लिया, तेजस्वी यादव के ऐसे मामले हैं, इन मामलों में राउज एवेन्यू कोर्ट में वो अभियुक्त के तौर पर बेल पर है कि नहीं, मेहता जी अपनी बात रखिएगा, अपनी बात जरूर रखिए, जरूर रखिए। और जो जमानत पर है, चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में हर कोई अपना पक्ष रख सकता है, चाहे वो विपक्ष में हो, विपक्ष को तो और ज्यादा रखने का हक है ताकि जनता को अपने पक्ष में किया जा सके। मकसद लेकिन मीसा भारती का ये आएगा, तेजस्वी यादव चिढ़ाएंगे, मतलब चिढ़ाएंगे, 40 सीटें हैं, 40 सीटों के अलावा भी बहुत सारी सियासत है, चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये वक्त है लोकतंत्र के महापर्व का, मजाक नहीं उड़ा रही आपकी पार्टी? देखिए लोकतंत्र का मजाक तो भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही है, क्योंकि जो मुद्दे पे इलेक्शन होना चाहिए था वो कोई मुद्दा चौक चौराहे पे आप चले जाइए, मुद्दा भारत की जनता का, भारत की जनमानस का जो मुद्दा है उसको अपहरण कर लिया गया है, और अनर्गल बातों में आप लोग डिबेट में फंसाते हैं। अब प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे लैंड फॉर जॉब में मीसा भारती का केस के ऊपर, लैंड फॉर जॉब में प्रेम शुक्ला जी दो दो बार सीबीआई ने ही उस केस सुबोध सुबोध मेहता जी रायता आप फैला रहे हैं सियासी तौर पर, हंगामा हंगामा आपकी तरफ से किया जा रहा है और गलत हमें ठहरा रहे हैं, अपनी पाले की जो गेंद है वो हमारे पाले में फेंक रहे हैं, मतलब देश की जनता ये जानना तो चाहेगी ना कि जो प्रतिनिधि मैदान में आ रहा है उसका मकसद क्या है? मकसद भ्रष्टाचार मिटाना नहीं है, मकसद भ्रष्टाचार मिटाना नहीं है, सुन लीजिएगा, और आप भी समझते हैं, जाहिर सी बात है, प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, तो पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन बोलने की कुवत होनी चाहिए, कुवत काबिलियत होनी चाहिए कि हाँ गलती हुई, हमें भ्रष्टाचार का भी जिक्र करना चाहिए था और सबूतों के साथ करना चाहिए था, हवा हवाई सबसे बड़े जनप्रतिनिधि पर यूं ही नहीं लगाया जा सकता। भाई न्याय प्रक्रिया पे विश्वास नहीं है आपको? न्याय प्रक्रिया आपको है, आपको है तो मीसा भारती बोलती ना कि हमें हमें न्याय प्रक्रिया पर विश्वास है, उसके तहत जो भी फैसला आएगा, हमारी पार्टी सत्ता में आई तो हर पार्टी का जो भ्रष्टाचारी है वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, जनता के बीच आती है, हम तो प्रधानमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, हम बीजेपी नेताओं को सलाखों के पीछे भेजेंगे, और जनता यहाँ पर सोच रही है कि विकास होगा, यहाँ विनाश की राजनीति बनाई जा रही है। मोहतरमा हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी, ये विकास की राजनीति है या विनाश की राजनीति है? देखिए बिहार में
जिस तरह से लालू जी ने राज चलाया और उसके बाद नीतीश कुमार को आप लाख दोष दें, लेकिन बिहार में उन्होंने कानून व्यवस्था से लेकर डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स को स्थापित किया, वो अलग बात है कि नीतीश कुमार का भी कम दोष नहीं है, इधर उधर पलटी बार बार मारते रहे, लेकिन उसके बावजूद कम से कम कुछ मुद्दों पर नीतीश कुमार को पूरे नंबर दिए जा सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने दुरुस्त किया, जो विकास का मसला था उसको मेन स्ट्रीम में लेकर आए, और जो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए वो बहुत काम किया, विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में। मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ राष्ट्रीय जनता दल को ठीक करने की आवश्यकता है, और मैं फिर से कह रहा हूं तेजस्वी यादव को लेकर कभी लगता है कुछ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, वक्त इतना ही है इस चर्चा का, और इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है वो यहां पर हमने आपको सुनाया, लेकिन इस बीच राजनीति में विरोधियों को घेरने के लिए देखिए अक्सर सांकेतिक तरीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने मछली के बाद अब हेलीकॉप्टर में संतरा खाते हुए वीडियो शेयर किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी हुई। वीडियो शेयर करते हुए यह भी कहा गया, लिखा गया, बीजेपी वाले इसे भी भगवा रंग से जोड़कर धार्मिक रूप दे देंगे और विरोध करेंगे। तेजस्वी की ऑरेंज वाली पॉलिटिक्स, संतरे का बहाना बीजेपी का निशाना, बिहार की लड़ाई नारंगी पर आई। सियासत में संकेतों की भूमिका क्या होती है ये इन दिनों तेजस्वी यादव के ऐसे वीडियो से समझा जा सकता है। चुनाव प्रचार के बीच थके हारे तेजस्वी और मुकेश सहनी जब हेलीकॉप्टर से लंच के वीडियो शेयर करते हैं तो समझना आसान हो जाता है कि संतरे के जरिए वो बात को कहां तक पहुंचाना चाहते हैं।